एक समय की बात है, एक पहाड़ पर चार सफेद बाघ के बच्चे रह रहे थे। ये चारों अभी बहुत छोटे थे। आज रिंकू अपने पिता मोहन के साथ पहाड़ों की सैर करने गया था। तभी उसे ये चार सफेद बाघ दिखे। उसे लगा कि ये बिल्लियां हैं। पापा, ये चारों बिल्लियां कितनी प्यारी हैं। हाँ बेटा, प्यारी तो बहुत है, पर इन्हें साथ नहीं ले जा सकते, माँ बहुत चिल्लाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ देर इनके साथ यहीं खेल लेता हूँ। रिंकू काफी देर तक उस पहाड़ पर उन बाघों के साथ खेलता है, और जब शाम होने को आती है तो मनोज उससे कहता है, बेटा रिंकू चलो अब, हमें बहुत दूर जाना है, रात में पहाड़ का रास्ता तय करना मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। हाँ बेटा, निराश मत हो, आओ चलो हम चलते हैं। रिंकू और मनोज वहाँ से चले जाते हैं और चारों बाघ रिंकू की ओर देखने लगते हैं। रात हो जाती है। मनोज और रिंकू पहाड़ का रास्ता तय करके अब अपने घर पहुँच चुके थे। माँ, आप जानती हैं, मैंने आज पहाड़ पर चार बिल्लियों के साथ खूब खेला। अच्छा, उन्हें अपने साथ तो नहीं लाए ना? नहीं नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था मालती। देखा रिंकू, कहा था ना कि माँ को पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक की आवाज आती है। मालती और रिंकू जाकर दरवाजा खोलते हैं। कोई दिख नहीं रहा। कौन है जो इस समय शरारत कर रहा है? माँ, ये देखिए नीचे, ये कर रहे हैं शरारत। हे भगवान, ये क्या बला ले आए? ये बला नहीं, बिल्लियाँ हैं। आओ आओ, अंदर आओ। चारों बाघ घर के अंदर आ जाते हैं। अरे ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने जब देखा था तब तो हमारे पीछे कोई नहीं था। ये हमारा पीछा करते करते आ गए होंगे। माँ, मुझे ये बहुत पसंद है, और क्या मैं इन्हें अपने घर में रख लूँ? माँ, रिंकू की माँ, रख लो ना इन्हें, बच्चा कितने प्यार से और आस लगाकर कह रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रख लो, पर इनकी देखभाल, नहलाना धुलाना, ये सब तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। अभी बता दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं ख्याल रख लूंगा। इसी तरह से चारों बाघों को घर वालों ने अपना लिया और अपने घर पर रख लिया। दरअसल ये गांव रंगीनपुर अपने नाम से एकदम विपरीत था। यहाँ ऋतुओं का सही से आना जाना नहीं था, और इसी कारण खेतों की फसल भी ठीक से नहीं हो रही थी। अब एक साल बीत गया था। ये चारों अब बहुत बड़े हो गए हैं। किसने सोचा था कि ये बाघ निकलेंगे? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, तुम सब हरदम मेरे साथ ही रहना। जब से तुम सब इस गांव में आए हो, अब सारे मौसम सही समय पर आते हैं और खेती भी बहुत बढ़िया होने लगी है। सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। आखिर इनके नाम भी इनके वेशभूषा पर गए हैं। जरूर ये कोई दिव्य जानवर हैं, जो गांव के भाग्य को खोलने रिंकू के जरिए हमें मिले हैं। हाँ एकदम सही कहती हो, पर हम इन्हें कहीं ले नहीं जा सकते, और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग इनसे डर कर और इन्हें गांव से दूर भेजने को कहेंगे, इसलिए हमें इन्हें छुपा कर ही रखना होगा। मनोज की बात सुनकर चारों बाघ रिंकू की तरफ देखते हैं। नहीं, तुम सब कहीं नहीं जाओगे। इन्हें कहने दो जो कहना है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रिंकू के माता पिता को लगता है कि रिंकू उन्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जाता, पर वे ये नहीं जानते थे कि हर रात रिंकू इन शानदार दिव्य जानवरों के साथ सैर पर जाता था। आज भी वैसे ही एक रात थी, लेकिन आज तेज बरसात होने लगी। अरे आज तो बहुत बरसात हो रही है विद्युत, ऐसा करते हैं घर लौट चलते हैं। विद्युत और बाकी बाघ रिंकू के साथ घर लौटने लगते हैं। तभी अचानक विद्युत रिंकू को नीचे गिरा देता है। रिंकू बेहोश हो जाता है, और तभी एक बिजली विद्युत पर गिरती है। इसके बावजूद विद्युत को कुछ नहीं होता। बाघ रिंकू को लेकर तेजी से घर की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही सब वहां से जाते हैं,
तभी एक व्यक्ति उसी जगह पर आकर खड़ा होता है। तो ये चारों भाग यहाँ थे। आकाश, धरती, अग्नि और जल के तत्वों से उत्पन्न होने वाले ये दिव्य भाग सालों से इन्हें ढूंढ रहा हूँ और ये अब जाकर मिले हैं। अच्छा है, अब जब इनका पता चल गया है तो इन्हें कैद करना आसान होगा। अगले दिन रिंकू अपने घर में आराम कर रहा था। वो धीरे धीरे होश में आता है। माँ, माँ, मेरा बेटा लाल कहाँ चला गया था तू कल? अगर ये बाग तुझे ना ले आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कुछ। बेटा, अब हमें बिना बताए कहीं मत जाना। और आखिर तुम्हें हुआ क्या था और ये तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? रिंकू ध्यान करता है कि उस समय क्या हुआ था, तो इतना ध्यान आता है कि विद्युत ने उसे गिरा दिया था और बाकी तीनों बाघ उसके ऊपर चढ़ गए थे। मुझे ध्यान नहीं पिताजी, बस मैं बाहर टहलने निकला था और तभी कुछ हुआ, और अब जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हूँ। तभी वहाँ वही व्यक्ति जो कल रात वहाँ था आ जाता है। झूठ बोलना पाप है बेटा, बताते क्यों नहीं अपने माता पिता को कि हुआ क्या था? आप कौन हैं और घर में कैसे घुस गए? मैं तो बस एक राहगीर हूँ, नाम जानकर क्या ही करेंगे। नाम नहीं तो काम बताइए, यहाँ क्यों आए हैं आप और आपने कल ऐसा क्या देखा? चलो नाम ही जान लो पहले। मेरा नाम है रघुराज और मैं इन बाघों की वजह से यहाँ आया था। तभी मैंने कल देखा कि आपका बच्चा बाघों के साथ सैर पर निकला है और अचानक इस बाघ ने आपके बच्चे को अपने ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं माँ, उसने फेंका नहीं, मैं बस गिर गया था। आप इन बाघों के बारे में क्या जानते हैं? बस ये बाघ अच्छे लगे तो यहाँ आकर झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं कह रहा, ये कोई आम बाघ नहीं है, दिव्य बाघ है, चारों तत्वों के प्रतीक है। इन्हीं के कारण आपके गांव की बंजर जमीनें और खराब मौसम की समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो आप इनकी बुराई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे गांव के लिए और बच्चे के लिए वरदान साबित हुए हैं। तब ये छोटे थे, अब ये बाघ बड़े हो चुके हैं। कल मैंने देखा कि जैसे ही इस बाघ ने आपके बच्चे को उस पर से नीचे गिराया तो अचानक एक जोर की बिजली चमकी और उस पर गिरी। क्योंकि ये बाघ जिसे ये लड़का विद्युत बता रहा था, ये बिजली का यानी आकाश का प्रतीक है। अब ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो आपका बच्चा कैसे सुरक्षित होगा, ये गांव कैसे सुरक्षित होगा? पिताजी, इनसे कहिए ना, मैं इन बाघों को अपने भाइयों की तरह मानता हूँ, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। दिव्य हो या ना हो, लेकिन है तो ये जानवर ही, दूरी बनाकर रखना ही अकलमंदी होगी। नहीं, मैंने इन्हें पाला है अपने बच्चों की तरह, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों की बातें ठीक है, पर आखिर हम गांव के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। या तो हमें इस गांव को छोड़कर पहाड़ों में बसना होगा। तुम सबको रिंकू के लिए उससे दूर जाना होगा, तुम सब समझ रहे हो ना? विद्युत, ज्वाला, पवन, तरल, मैं भी तुम लोगों को दूर नहीं करना चाहती। रिंकू तुमसे मिलने आता रहेगा और रघुराज भी तुम सबका ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की बात मानोगे ना तुम चारों? चारों अपनी माँ मालती की ओर देखते हैं और उनकी बात का मान रखकर रघुराज के साथ चले जाते हैं। रिंकू उन्हें देखकर रोता रह जाता है और असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता। 3 दिन बीत गए और रिंकू अपने हाथों में उन सब के लिए एक गले का पट्टा लेकर जा रहा था। 3 दिन से रोए जा रहे हो लाल, पर अब तो खुश हो ना? नहीं, मैं तभी खुश होऊंगा जब मैं अपने भाइयों से मिलूंगा। आप उन्हें कैसे किसी अनजान व्यक्ति के पास छोड़ सकते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, अब हम पहाड़ के ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। वो लोग पहाड़ के रास्ते चढ़कर कुछ देर बाद ऊपर पहुंचते हैं। तभी मनोज अचानक रिंकू को रोक देता है। क्या हुआ बाबा? वो देखो। तभी रिंकू देखता है कि चारों बाघ
एक पिंजरे के अंदर बंद है और उन्हें जंजीर से बांधा गया है। पिताजी, इन्हें इस तरह से बंद क्यों कर रखा है? ध्यान से सुनो, वो कुछ कह रहा है। तुमने उस बच्चे को बिजली से बचाया और वो डरे ना, इसलिए उसे सुला दिया अपने जादू से। पर मैंने कहा कि तुमने उसे चोट पहुंचाई और वो बिजली तुम्हारे कारण गिरी और उन्होंने मान लिया। अब लगे तुम मेरे हाथ। कई सालों से ढूंढ रहा था मैं तुम चारों को और आज तुम मेरे हाथ लगे हो। हाँ भैया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। इन्हें अपने कब्जे में रखेंगे और अगर बात ना माने तो उस बच्चे को हानि पहुंचाएंगे। रिंकू भागते हुए झाड़ियों से बाहर आया और मनोज उसके पीछे पीछे। कौन हो तुम दोनों? इन चारों के भाई और पिता है। यहाँ क्यों आए हो? अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम चारों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। रघुराज रिंकू की तरफ बढ़ता है और तभी वो बाघ अपनी इंसानी भाषा में बात करने लगता है। उस बच्चे से दूर रहना मनुष्य। माँ ने हमें तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा जरूर दी है, पर अगर तुमने रिंकू को छुआ भी तो तुम हम चारों का कहर देखोगे। शह, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं, और वैसे भी ये बेड़िया तुम तोड़ नहीं पाओगे, पर मैं तुम सबसे पूरे रास्ते जूझना नहीं चाहता, इसीलिए इस बच्चे को छोड़ दे रहा हूँ। भाई, तुम हमसे मिलने आए, हम बहुत खुश हैं, पर अब तुम वापस जाओ। बाबा, आप इसे कृपया वापस ले जाएं। पर बेटा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। माँ ने कहा था कि रिंकू की भलाई इसी में है बाबा, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। माँ ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो बिजली तुम्हारे कारण नहीं गिरी, बल्कि तुमने मुझे उससे बचाया था। हाँ, अब घर लौट चलो बच्चों। भैया, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम यहाँ हैं ही नहीं। चलो अज्जू, ये बाघ हमारी बात नहीं टालेंगे और ये बेड़ियाँ तोड़ना आसान काम नहीं है। उस पिंजरे में एक विस्फोट होता है। चारों बाघ रिंकू के पास वापस आ जाते हैं। विद्युत, तुम बोल सकते हो? मैं हम चारों में सबसे बड़ा हूँ और मैंने बस अभी कुछ दिन पहले ही बोलना सीखा है। आओ बच्चों, अब घर चलते हैं। चारों बाघ अपने भाई रिंकू के साथ घर जाते हैं। ये दर्शाता है कि जानवरों और इंसान में कोई भेद नहीं। जब बात स्नेह और प्रेम की आती है तो जानवर हो या इंसान, वो एक परिवार ही है। मटरू और उसकी पत्नी माला गांव से दूर जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। दोनों मजदूरी करने गांव के खेत में आया करते थे। यहां दिन भर वो मजदूरी करके फिर अपने घर लौट जाया करते थे। एक दिन की बात है, मटरू और माला देर तक खेत में काम कर रहे थे। शाम होने पर उन्होंने सेठ से अपने पैसे लिए और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर लौटने लगे। जब वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें किसी जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा तो उन्हें एक बाघ का बच्चा रोते हुए दिखा। वो देखिए, उस बाघ का किसी शिकारी ने शिकार कर दिया, बेचारा बच्चा। माला, अगर ये बच्चा यहाँ अकेले रहा तो ये भी मर जाएगा। क्या एक बाघ के बच्चे को अपने साथ ले जाना ठीक होगा? पता नहीं, लेकिन फिलहाल इसे हमारी जरूरत है। मटरू ने उस बाघ के बच्चे को उठा लिया। दोनों घर लौटे और फिर माला ने उस बाघ के बच्चे को दूध की बोतल से दूध पिलाया। है तो ये शेर, लेकिन दूध पीते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा है। हाँ, इसका नाम शेरू रखेंगे। ठीक है, आज से ये हमारा शेरू है।
अब मटरू और माला की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई थी, क्योंकि रोज उनका प्यारा शेरू उनके आने की राह देखा करता था। और जब वो दोनों लौट कर आते तो उनके साथ खूब खेला करता था। समय बीतता गया और शेरू बड़ा होता गया। अब माला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का ख्याल रखने के लिए माला अब मजदूरी पर नहीं जाया करती थी और वो सारा समय शेरू और अपने बेटे के साथ ही बिताया करती थी। अब मटरू अकेले गांव जाकर मजदूरी किया करता था, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा था तो उसे ज्यादा समय काम करना पड़ता था, जिससे उसे पर्याप्त पैसे मिल जाते। 6 महीने बीत गए। अब माला का मुन्ना 6 महीने का हो चुका था। मटरू खेत में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। पता है, आज मेरा मुन्ना 6 महीने का हो गया है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताओ, माला को अकेले जंगल में डर नहीं लगता? माला अकेली कहाँ है? शेरू है ना साथ? शेरू मेरा पालतू शेर, मैंने उसे छोटे से बड़ा किया है, वो मेरा लाडला है और माला और बच्चे की रखवाली भी करता है। चोर बना चौकीदार, ये शेर फिर भी जंगली जानवर होते हैं, इनकी कब नियत बदल जाए ये कोई नहीं जानता, सावधान रहना। नहीं नहीं, मेरा शेरू ऐसा नहीं है। शाम का वक्त हो गया था और माला मटरू की राह देख रही थी। शाम से रात हो गई, पर मटरू का कोई पता ठिकाना नहीं। माला चिंतित हो गई। शेरू अभी तक वो नहीं आए, पता नहीं क्या हुआ होगा, यहाँ मुन्ना भी अकेला है, मैं क्या करूं? शेरू तुम यही मुन्ने के पास ही रहना, मैं उनको अभी लेकर आई। माला घर से चली गई और शेरू वही मुन्ने के आस पास फेरे मारता रहा। माला अंधेरे में जंगल से चलने लगी। उसे मटरू की चिंता सता रही थी। कुछ दूर चलकर उसे मटरू दिख गया। शुक्र है आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, आप घर नहीं लौटे तो मुझे चिंता सता रही थी। ठीक है ठीक है, पर मुन्ना? शेरू मुन्ने की रखवाली कर रहा है। चलो वापस चलते हैं। दोनों जंगल के रास्ते लौटने लगे। दोनों घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने शेरू को बाहर खड़े देखा। उसका मुंह लाल था। दोनों घबरा गए और मटरू ने पास ही रखे हसिये को उठाया और उसे शेरू पर फेंक दिया। शेरू घायल हो गया। मटरू और माला अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका मुन्ना सही सलामत था और पास ही एक बड़ा सा सांप पड़ा था। अरे रे 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 रे, ये मैंने क्या कर दिया, मेरा शेरू। दोनों बाहर आए तो उनका शेरू मर चुका था। मेरा शेरू, ये मैंने क्या किया, मेरा शेरू। शेरू ने अपनी वफादारी साबित की और हमें इस कहानी से ये सीख मिली है कि कोई भी कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए, वरना बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस लौटता नहीं है।